किसी भी गुनाह की इबारत को जब आप खंगालेंगे तो अक्सर उसके पन्नों में बयां होता है लालच का मायाजाल या फिर कोई रंजिश। और आज जिस गुनाह की दास्तां से हम आपको रूबरू कराएंगे वहां भी नजर आती है तो रंजिश की कहानी। ये एक वो वारदात थी जिसके बाद जिसने भी इसके बारे में सुना या जाना उसकी रूह कांप गई, क्योंकि यहां कर दिया गया था एक ही परिवार के चार लोगों का कत्ल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दरअसल ये पूरी घटना जुड़ी है यूपी के शामली जिले के आदर्श मंडी थाना इलाके से, और अब आपको वो वारदात भी याद आ जाएगी जहां अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अजय पाठक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और केवल अजय पाठक को ही यहां मौत के घाट नहीं उतारा गया था बल्कि परिवार के तीन लोगों की भी जान ली गई थी। साल 2019 का वो आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, जब भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहा पाठक और बेटी वसुंधरा पाठक की हत्या धारदार हथियारों से बदमाशों ने कर दी और एकलौते बेटे के शव को कार में ले जाकर कार सहित चला दिया। हम आपको वारदात के विलेन के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे दिया गया इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम। यहां कातिल ने पूरी घटना को बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम दिया। दरअसल कातिल पिछले 2-2.5 साल से अजय पाठक की भजन मंडली से जुड़ा था। एक तरह से वो भजन गायक अजय का पीए था। हर काम में ऑलराउंडर, स्मार्ट पर्सनैलिटी, फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। भजन मंडली के साथ गाने बजाने और कार चलाने में भी एक्सपर्ट हो गया था। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात भी कातिल अजय पाठक के घर पर ही रुका, वहीं सोया, रात को उनके पैर भी दबाए और फिर अजय पाठक को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि अजय पाठक का सेवक या फिर कह लें शिष्य हिमांशु ही था। हिमांशु ने यहां केवल अजय पाठक को ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी स्नेहा पाठक और बेटी वसुंधरा की भी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी हिमांशु खुद को बेकसूर ही बताता रहा। गिरफ्त में आने के बाद पुलिस के सामने उसका कहना था कि उसने तो गुरुजी यानी अजय पाठक से अपने रुपए मांगे थे, उसके ऊपर कर्जा था, बैंक वाले उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन उसे सिवाय डांट के अलावा कुछ नहीं मिला। पाठक जी के साथ कुछ दिन से पैसे फंसाए थे, उसके बाद में कुछ लेन देन के ऊपर हिसाब था, मैंने इनके पास कमेटी डाल ली थी, लेकिन मैंने अपनी बहन की शादी में लोन लिया था बैंक से। बैंक से लोन लेने के बाद में मैंने जैसे तैसे करके पाठक जी को पैसा दिया, मैंने बहन की शादी भी की। उसके बाद में जैसे काम करता रहा, यहाँ काम करने के बाद में मैं बैंक की किस्त पूरी नहीं कर पाया, और जैसे मैं बैंक की किस्त पूरी नहीं कर पाया तो बैंक ने मेरी आरसी काट दी, पंजाब नेशनल बैंक के राणा ने। अब जब उसने आरसी काट दी, आरसी काटने के बाद में मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मेरी आरसी कट चुकी है और मेरा 5 महीने का टाइम है। वो महाराज जी महाराज जी ने बोला 5 महीना बहुत है, हो जाएगा तेरा, कोई बात नहीं, चुप दे देना। उसके बाद में अब जब रह गया एक महीना, अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के साथ मुजफ्फरनगर में झगड़ा हुआ था, तो उसी के प्रति रात बात चल रही थी। अब जैसे रात बात चल रही थी महाराज जी के समक्ष, और मैंने उसी बीच में कहा महाराज जी मेरा 1 महीना पूरा होने वाला है, मुझे जेल होगी। पुलिस कहती है कि आरोपी हिमांशु ने भजन गायक अजय पाठक की कार को मकान के बाहर लगाकर पहली मंजिल से भागवत और वसुंधरा का शव नीचे घसीटते हुए उतारा। भागवत का शव कार के डिक्की में डाल दिया, लेकिन वसुंधरा का शव भारी होने की वजह से वो उठा नहीं सका। तब तक दिन निकल चुका था और काफी रोशनी हो गई थी। गली में लोगों की आवाजाही देख उसने वसुंधरा का शव वापस कमरे में रख दिया और उस पर रजाई डाल दी, कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद फिर वो अजय और स्नेहा के कमरे में गया और उनके शवों पर कंबल डाल दिया, सभी के मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। हिमांशु ने हड़बड़ी में मकान की तलाशी भी ली। स्नेहा की अलमारी में ताला नहीं था, अलमारी खोलकर उसने हर बैग निकाल लिया और कमरा बाहर से बंद कर चला गया। आपको बता दें कि आरोपी हिमांशु का प्लान था कि गायक अजय पाठक पत्नी बेटे और बेटी का शव को दूसरे इलाके में ठिकाने लगाएं
और घर में रखे नकदी और दूसरे सामान पर हाथ साफ कर जाए। लेकिन वो डर गया और अजय पाठक की गाड़ी में सिर्फ बेटे भागवत का शव ले गया और सबूत मिटाने के मकसद से उसने पानीपत टोल प्लाजा के पास गाड़ी को पाठक के बेटे भागवत सहित पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लेकिन तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई और वो खाकी के हत्थे चढ़ गए। बहरहाल पूरी कहानी का लब्बो लुआब यही कि बस सतर्क रहें और सावधान। नमस्कार।